इसी के साथ में रूही तुगुम लोकम आनंद जेडीयू नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड का जो कैंडिडेट को जीता दे और आप बूथ दे और जनता दल यूनाइटेड समाज के लिए जनता के लिए क्या काम कर सकता है आप देखिए, आप टेस्ट करके देखिए। हमारा नेता, हमारा नेशनल प्रेसिडेंट नीतीश कुमार जी, बिहार का चीफ मिनिस्टर, वो एक अच्छा लीडर है, हम लोग इसका चेला है और वो जैसा अच्छा काम करता है ऐसा ही अरुणाचल में भी मैं अच्छा काम करने के लिए कोशिश करेगा। अरुणाचल का जनता का भलाई के लिए अच्छा काम करने के लिए कोशिश करेगा। मैं कैपिटल का स्पेशली जनता को रिक्वेस्ट करता है, जहां हमारा पोटेंट सीट जेडीयू का जो कैंडिडेट है आप जैसे भी जिता दीजिए। हम लोग कैपिटल को हम लोग डेवलपमेंट में, गली गली में रोड बनाने का, ड्रेन बनाने का, ये ब्यूटिफिकेशन, कैपिटल ब्यूटिफिकेशन के लिए और कैपिटल का जो 10 dirtiest स्टेट हमारा इंडिया में गिना जाता है, ये सब साफ सुथरा में रखने के लिए कोशिश करेगा। बहुत कुछ हम लोग चेंजेस में लाने के लिए हमारा जेडीयू कोशिश करेगा। हम वार्ड नंबर 13 का जेडीयू कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहा है और मैं तो यही कहूँगा, मेरा जितना भी वार्ड नंबर 13 का पब्लिक से हम अपील करेगा कि हम लोग पीसफुली खेलना है और यहाँ गवर्नमेंट लोग इतना प्रेशर दे रहा है कि मनी फ्लो करेगा, पैसा देके पब्लिक ये वोटर को करे देगा, ऐसे बोल के बहुत लोग सीएम लोग पैसा करे देगा बोल के खेल रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि पब्लिक को, लीडर को चुनने दीजिए, जनता को चुनने दो, अच्छा लीडर को चुनने दो। मनी फ्लो करके किसी को दौरा दूम करके मनी दिखा के पैसा दिखा के करे के ये इलेक्शन को नहीं खेलने से ठीक है। और ये वार्ड नंबर 13 का जनता को, पब्लिक को हम यही अपील करेगा, आप से अच्छा नेता चुनिए और अच्छा काम करने वाला नेता चुनिए, पैसा को मत देखिए, जो काम कर सकता है ऐसे नेता को चुनिए। जेडीयू से कंटेस्ट करने जा रहा है तो हम पब्लिक को, मेरा पब्लिक को अपील करता है, हम इस बार जैसे भी हमको जीत के देखिए, तो हमारा पहले भी काम किया तो और हम और भी करेगा बोल के हम वही पब्लिक को अपील करता है। तो जितना बच्चा कुचा है ना, जगह ड्रेन है, रोड है और ये हाई मास है, इसको हम जैसे भी करेगा इस बार। और हमारा रोड है, कनेक्टेड है, बाईपास है, कोई हमारा ये इंडस्ट्री से लेके आपका डिवीजनपुर का रोड ना, उसमें हम कनेक्टेड हम पास प्रायोरिटी रखा है, इसको जैसे भी हम काम करेगा बोल के उम्मीद रखा है। हमारे वहाँ यहाँ पे करने को बहुत है, तो मैं देख के बहुत खुश है कि एज अ बेटी हमको आज कॉलोनी का कुछ सर्व करने, मम्मी पापा को सर्व करने का कुछ मौका मिलेगा, एज अ मैं बहुत खुश हूँ अंदर से। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 2 में ड्रेनेज का बहुत प्रॉब्लम है। जब रेनी सीजन में हमारे घुटनों पैर तक आ जाते हैं ये पानी जो रोड में, रास्ता में, क्योंकि सबके पास व्हीकल नहीं होते, तो कभी कभार पैदल चलते हैं, हम भी चलते हैं, तो फिर उसमें बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। ड्रेनेज का प्रॉपर ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, तो वो चीज़ थोड़ा कमी है, वो चीज़ को पूरा करेगा, बेटी आज आया है तो जरूर करेगा। और दूसरा है कि हमारे यहाँ पे रोड, सीसी रोड का थोड़ा प्रॉब्लम है, जो रास्ता बहुत खराब है वहाँ पे, कुछ जगह में कुछ जगह अच्छा है, तो जहाँ जहाँ खराब है उस चीज़ को पूरा खराब होने नहीं देगा, बेटी उसको भी ठीक कर देगा, उसको भी पूरा बनाएगा, माओ को सही से अच्छा रास्ता में चलने के लिए रास्ता सीसी पुल पर बनाएगा। और यहाँ मैं मानता हूँ कि मेरा जो अभी एम है, एक स्मार्ट सिटी कैसे होना चाहिए वो फुलफिल कर रहेगा। हम प्रॉमिस कर रहा है कि स्मार्ट सिटी साफ सुथरा हम लोग का वार्ड नंबर 1 को बनाएगा। और पब्लिक को ये प्रॉमिस करता है कि स्मार्ट सिटी और क्लीन सिटी वार्ड नंबर 1 होगा। जी, देखिए अभी तो यहाँ पे बहुत अभी चल रहा है, जोरदार चल रहा है। अभी जितना वो लोग चल रहे हैं हम भी उतना ही चल रहे हैं। मेरा जो होम ग्राउंड है जी सेक्टर है, वहाँ पे काफ़ी टफ गेम भी हो रहा है अभी, और बाकी एरिया में तो मेरा अच्छा चल रहा है। मेरा एरिया पड़ता है आकाशदेव, गंगा मार्केट और दोकुमदोनी कॉलोनी, हिल टॉप, उसका वो दूरदर्शन कॉलोनी, इटापर्थ, इतना में मेरा पड़ता है। उसमें हम वोट नंबर 5 में आ रहा है, क्योंकि आजकल डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में तो कोई भी हमारा इलेक्शन लड़ सकता है। और हमारा जेडीयू का ये स्टेट का प्रेसिडेंट ये रूही तुगुंग और हमारा ये जो 13 इटानगर कंस्टिट्यूंसी का एमएलए दैचिक आसोसा अंदर नेतृत्व में हम लोग काम करने के लिए डेमोक्रेसी दिशा में लड़ना चाहता है। लेकिन हमारा वोट में ये लड़का लोग भी, कोई यूथ लोग भी हम लोग को भी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे नहीं होना है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो होता है सब के लिए इलेक्शन लड़ने का है, पीसफुल लड़ना है, उसमें झगड़ा पिसा नहीं होना है, सब के लिए अच्छा के लिए करना है। वही है मेरा अपील है, क्योंकि इलेक्शन में पीसफुल लड़के जो भी हम लोग जनता पसंद करता है उसको ही चुना जाएगा। हमारे वार्ड में जो जनता के बीच में थोड़ा विचार, जो मेरा बीच सूच को ना विचार को रखना चाहूँगा। अभी मेरे वार्ड नंबर 6 में जो एरिया जो गिरता है, हिल टॉप, नेपाल क्लब, नरवा कॉलोनी, डाइंग एरिंग, एफ सेक्टर, ई सेक्टर, अवटानी कॉलोनी, हम ये हर एक गोर में 30 से लेके 7 तारीख तक हर गोर में घुमा है, हर कोना में जाके देखा है जिस जगह में क्या ज़रूरी है पूरा देख चुका हूँ। और मैं जनता से अप्लाई करता हूँ, आप लोग का प्यार, आपका विश्वास, आपका वोट का ताकत से हमको जिताए, और हमको आपका दुख तकलीफ को बताना ज़रूरी नहीं है। हम सब देख चुका हूँ, हम सब जान चुका हूँ, और हमको अगर आप लोग चुनता है, हम ये सब काम को इसी एरिया में क्या क्या ज़रूरी है, ड्रेनेज सिस्टम में, लाइट का प्रॉपर लाइट सिस्टम में, जो स्ट्रीट लाइट जो ज़रूरी है, जहाँ में नीडी पीपल लोग जो अभी तक बीपीएल का जो राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, और जो गवर्नमेंट से म्यूनिसिपल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो प्रोविज़न है उसको मैं फुल पिल इम्प्लीमेंट और करूँगा। और मेरा नाम है दाहिर कासा और मैं वार्ड नंबर 7 से है और जेडीयू कैंडिडेट हूँ। और हमारा ये एमएलए 13 इटानगर का एमएलए दैचिक आसोसा के साथ में, और मैं कैंडिडेट हूँ। अभी मैं मेरा पब्लिक से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमको आप सबका भैवल बूट को हमको दे, हमको जिताए, हमको विजयी बनाइए। और आप लोग का सोच, आप लोग का विचार, आप लोग का अंदर में क्या क्या तकलीफ है और सड़क है, क्या क्या प्रॉब्लम है, हम पूरा देख चुका है, उसको मैं आप लोग के लिए काम करने के लिए मैं निकाला है। हमको आप लोग थोड़ा साथ दे दीजिए। और आप लोग और ये नहीं सोचना है कि माने दूसरा को लीडर बना के काल को कुछ होगा, ये नहीं सोचना है। मैं एक एमएलए के साथ में हूँ, जो भी डेवलपमेंट करेगा हम एमएलए के साथ में, विशेष करके एमएलए के साथ में हम डेवलपमेंट करने के लिए रेडी है। अभी वही सोचता है कि मेरा ये ट्रैफिक गंगा मार्केट में वो ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम बहुत चलता है। और हमारा ये मेन मोटो है कि हम लोग का यहाँ में बहुत गंदा था पहले में, जब काउंसलर आके हम लोग आईएमसी ऑफिसर लोग भी बहुत सपोर्ट दिया है हमारा ट्रैफिक में भी। लेकिन हमारा मैनेज सब लोग ऑफिस लोग हम लोग मिलजुल करके स्वच्छ भारत अभियान में भी हम लोग बहुत अवेयरनेस किया। और भी बाकी है, और भी हम कर वो बाकी को भी हम करने चाहता है। मेरा जनता को वही हम अपील है। पर्दर का जेडीयू टिकट लिया है अभी, जेडीयू पार्टी का। तो मैडम, आप अपने वार्ड की तरफ से आप वार्ड के लिए क्या करना चाहेंगे अगर आप चुनाव में? चुनाव में मुझे चुना पब्लिक चुनने से जीतने से सड़क, ड्रेनेज, सीसीटीवी जहाँ प्रॉब्लम है मेन पॉइंट में हम डालने के लिए कोशिश करेगा, पब्लिक का इंटरेस्ट में काम करने के लिए करेगा। पहले का भी काउंसिलर था तो कुछ काम बचा हुआ है क्या जिसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा? बहुत काम बचा हुआ है। आप बता सकते हैं जो इम्पोर्टेंट जो काम छूट गया है, जो पब्लिक जो अभी डिमांड कर रहा है? सबसे पहले पीने का पानी घर घर में नहीं पहुँचा है, वो हम घर घर में पहुँचा देगा। कल को हमको चुनता है तो कचरा गाड़ी, कचरा को हमेशा सफा करने देगा, वो हम गाड़ी तय करेगा। जहाँ सड़क ड्रेनेज ठीक नहीं है उसको ठीक करने के लिए कोशिश करेगा। जहाँ जहाँ पॉइंट पॉइंट में सीसीटीवी लगाना चाहेगा उसमें लगाएगा। नॉन ट्रैवल बाई लोग को कोई दिन दहाड़ा ये लूटता है, मोबाइल को चिंता है, चाकू देखा के ये पैसा चिंता है, वो चीज़ को हम सीसीटीवी का द्वारा से पता चलेगा। तो ऐसे होने से मेरा लड़का लोग भी थोड़ा ठीक रहेगा। वो हम दिल में सोच के इसी विषय में प्रोपराइटर हम आना पड़ा।